कथित जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें, बीते दिनों ईडी ने अचानक उनके दिल्ली आवास पर छापा मारा, जिसके बाद आज यानी कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम हेमंत सोरेन से उनके रांची में काके रोड स्थित सरकारी आवास पर पूछताछ कर रही है। झारखंड की राजनीति में आज अहम दिन है। कथित जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम रांची सीएम आवास पहुंच चुकी है। सीएम आवास पर विधायक भी मौजूद है। वहीं रांची में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, जगह जगह फोर्स की तैनाती भी की गई। बता दें, ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने खुद ही ईडी के जवाब में आज दोपहर 1 बजे का समय दिया था। हाल ही में हेमंत सोरेन अचानक से गायब भी हो गए थे, जिसके बाद ईडी उनकी तलाश कर रही थी। हालांकि देर रात हेमंत सोरेन फिर रांची पहुंच गए। वहीं इससे पहले रांची के बड़गाई अंचल में करीब 8.46 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने सोरेन से बीते 20 जनवरी को उनके आवास पर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद आज एक बार फिर ईडी इसी मामले में आगे के कई और बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए और उन्हें भगोड़ा मुख्यमंत्री कह दिया। देखिए, इन फर्जी केसों से हम कभी नहीं डरते। आपने तो निशिकांत दुबे जी पर 42 मुकदमे किए, बाबूलाल जी पर 6 मुकदमे किए, मुझ पर 6 मुकदमे किए, बाबूलाल जी के एडवाइजर सुनील तिवारी पर 3 मुकदमे किए, हमारे नेताओं पर 250 के लगभग मुकदमे किए। लेकिन राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं साहब, हम ऐसे गिदल भपकियों से नहीं डरते। और जहां तक अमर्यादित चीजों की बात है, तो आपके मुख्यमंत्री ने कौन सा मर्यादा का पालन किया था कि वो पिछले दरवाजे से रात के 2 बजे भाग खड़े हुए थे? हम तो फिर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फरार थे, मुख्यमंत्री भगोड़ा थे, आइए मुकदमा ठोकिए। हमें ऐसे मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को कान खुलकर सुन लेना चाहिए। देश में झारखंड को शर्मसार किया था। मुख्यमंत्री फरार थे 40 घंटे तक, कोई अता पता नहीं था, और अभी भी वो नहीं बता रहे वो कहां थे, और पूरी सुरक्षा घेरे को छोड़कर। तो ये साहब, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं या कोई भगोड़े अपराधी, ये आप खुद तय कर ले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में पूछताछ की जा रही है। इस घोटाले में कई बड़े नाम जुड़े हैं, जहां ईडी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। वह राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। अब हेमंत के आवास पर ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।